ये जो तस्वीरें आप लोग सामने देख रहे हैं, ये है खोंगजम वॉर मॉन्यूमेंट, और ये खोंगजम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। खोंगजम जो डे है, ये अप्रैल 23 को मनाया गया, और ये एंग्लो मणिपुरी वॉर की वजह से मनाया गया था। एंग्लो मणिपुर का वॉर जो था, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश एम्पायर और किंगडम ऑफ मणिपुर का। ये जो लड़ा गया था 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल 1891 के बीच में लड़ा गया, और इसमें लास्ट में ब्रिटिश की विक्ट्री हुई। इसमें क्या हुआ कि एट स्टार्टिंग 24 मार्च 1891 को ब्रिटिशर्स ने प्रोवोकेशन किया और उन्होंने मणिपुरीज को मार दिया। अराउंड 50 मणिपुरीज ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया उनके साथ लड़ाई में। उसके बाद मणिपुरीज ने भी जो है आर्म्ड स्ट्रगल किया, और उन्होंने 7 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला, और इसी के चलते जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लार्ज आर्मी के साथ इनके ऊपर धावा बोला, और इधर से भी आर्मी थी। और तो खोंगजम डे इन्हीं इसी कुर्बानी को लेके एक डे मनाया जाता है, इनके सेक्रीफाइस बलिदान को याद करते हुए। और इसमें क्या है कि ऑनर किया जाता है जो जिन्होंने अपनी जान अपने देश के लिए गंवाई है। तो यहाँ पर एन बीरेन सिंह और अनसुईया उइके ने, जो कि सीएम और गवर्नर हैं मणिपुर के, इन्होंने इन लोगों को आके श्रद्धांजलि दी। पावना ब्रजवासी इसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे, और इनके साथ साथ और भी कई ऑफिसर्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के कई ऑफिसर्स को मारा था। तो हमें भी इन लोगों का इतिहास पता होना चाहिए कि कैसे लोगों ने, कौन कौन से लोगों ने देश के कोने कोने से हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया, ब्रेवली फाइट किया। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए।